ये लो भाई, ये भी थोड़ी सी अटक गई है पेड़ में। तो हेलो दोस्तों, तो भाई आज मैं उतारने वाला हूँ पतंगे। मेरी पतंगे दोनों भाई टूट के गिर चुकी है। मैं बड़ी वाली पतंग उड़ा रहा था और मैंने यूं करके यूं जैसी करा वो बीच से टूट गई और यहाँ पे गिर गई है पड़ोस वाली छत पे। और मैं आपको आज बताऊंगा कि पत्थर से, और ये देखो मैं कुछ सामान ले आया हूँ। देखो घर में से ये कील भी लिए, इनसे लंगड़ मार के दिखाऊंगा और साथ में सद्दी से लंगड़ मार के दिखाऊंगा। आ जाओ मैं पतंग दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी गिर गई है मेरी। ये देखो, एक तो भाई ये वाली पतंग गिरी है मेरी, बड़ी वाली पतंग गिरी है ये रही, और एक पतंग ये रही भाई, ये गिरी पड़ी ठीक है मेरी। और इन दोनों को उतार के देखेंगे। और ये देख लो कुछ कुछ सिस्टम यहाँ पे गिर चुकी हैं और इनमें लंगड़ मारते हैं, देखते हैं आती हैं नहीं आती हैं, और आपको दिखा दूंगा मैं जैसे भी होएगा। और दोस्तों चलो मैं आपको दिखाता हूँ लंगड़ मार के, चलो लंगड़ बांधते हैं इसमें पहले। ये देखो दोस्तों, पहले सबसे पहले डालता हूँ मैं इस वाली कील से। ये देखो इस कील से मैं क्यों डाल रहा हूँ, एक तो ये हल्की है भाई, और भाई देखो जब लंगर डालो ना भाई, ये ध्यान रखना किसी के सर्वर मत फोड़ देना। और भाई जब अड़ोस पड़ोस की छत पर हो बस जब ही मारना, और कहीं सड़क वड़क पे लंगर मत मारना, कभी पता चले किसी की टाट फोड़ दो तुम। और लंगर फेंकना तो है ही नहीं भाई, ठीक है बस ऐसे ही गिराना है, और ऐसे आ गई तो आ गई, वरना भाई किसी का सर्वर नहीं फोड़ना आपको, तमीज से लंगर डालना ठीक है। और देखो ये हल्की सी कील टेढ़ी है इसलिए मैं इससे डाल रहा हूँ ठीक है दोस्तों। और दोस्तों भाई लंगर संभल के डालना ठीक है, चलो इसे डाल के देखते हैं, आ जाओ देखते हैं आती है या नहीं आती। सबसे पहले ये वाला लंगर डाल रहा हूँ मैं, ये देखो क्योंकि इसके कन्ने, देखो दोस्तों इधर आओ इधर देखो दोस्तों, इस पतंग के कन्ने बहुत ज़्यादा बड़े हैं, क्यों इसे शायद आसानी होगी आने में। और ये ना इसमें कील में ऐसे करके ऐसे फंस जाएगी और ये ऐसे उठा लेंगे हम, आ जाओ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो इसको अटकाने की कोशिश करते हैं, देखो दोस्तों मैं इसे अटकाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए देखो कन्ना अटका, वो छूट गया, इसका कन्ना अटक के भी छूट गया है। मैं इसके कन्ने में डालने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ये कन्ने में डल रहा है मगर बार बार छूटे जा रहा है, और देखो दोस्तों छूटे जा रहा है ये, अब भी नहीं अटका, ये अब भी नहीं अटका। और दोस्तों ऐसे हम अटकाने की इसे कोशिश कर सकते हैं, और कील जब एक बार ये अटक के सीधी हो गई ना तो फिर आने के चांसेस बन जाएंगे इसके। और दोस्तों ये पतंग मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी है, इस वजह से टूट के गिर गई है इधर, और ये देखो अब शायद ये अटक चुका है। और अब मैं इसे धीरे 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 खींचूँगा, देखो दोस्तों ये बड़ी वाली पतंग है मेरी, और धीरे धीरे खींचना भाई, कुछ ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। ये देखो ये कैसे अटका के लेकर आया हूँ मैं, ये देखो ये यहाँ छूट गया भाई, अगर मैं इसे तेज की खींचता तो ये वहाँ पे भी छूट जाता। और देखो ये हमारी ये वाली पतंग आ चुकी है ठीक है दोस्तों। तो हम ये वाली तो हमने उतार ली भाई, क्योंकि ये बड़ी थी और इसके कन्ने बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, इस वजह से ये आ गई बहुत ही ज़्यादा आसानी से। और अब जो दूसरी वाली है उसे उतार के देखते हैं वो आती है या नहीं आती इतनी आसानी से। तो चलो आ जाओ दोस्तों दूसरी वाली देखते हैं उतार के, इसे थोड़ा मैं सुलझा लूँगा इसे, और वो वहाँ पड़ी है, कपड़े भी सूख रहे हैं वहाँ पर, पता नहीं वो आएगी या नहीं आएगी देखते हैं। और दोस्तों ज़्यादा लंगड़ मत मारो भाई, पतंग नहीं आ रही तो एक आध बार ही ट्राई करो, क्योंकि मैंने बचपन में ऐसे बहुत बार करा है दोस्तों। मैं बचपन में भाई कभी कभार लंगड़ मारता था, और भाई मेरी इतनी तो सद्दी चली जाती है, जितने की पतंग नहीं होती थी ना उतनी तो सद्दी चली जाती थी मेरी। और आ जाओ इस वाइल्ड पतंग को अब ट्राई करते हैं, तो इसलिए भाई एक आध बार ट्राई करो बस ज़्यादा से ज़्यादा, और आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है। ए इस वाली को उतार के देखते हैं, ए लंगड़ तो सही गया दोस्तों, देखो जूम करके दिखाओ मेरा लंगड़ कहाँ पे गिरा है और पतंग कहाँ पे, और ये पतंग ना पलट जाए ए। और दोस्तों इसकी डोर में फंस चुकी है, डोर में फंस चुकी है, डोर उठा के देखता हूँ मैं इसकी आएगी या नहीं आएगी। देखो दोस्तों मैं इसकी डोर उठा रहा हूँ, जूम करके दिखाओ डोर, देखो दोस्तों ये है ना पीछे से किसी ने तोड़ दी थी मेरी, इस वजह से ये गिर चुकी है। और मैं इसे ऐसे उठा के देख रहा हूँ, देखो डोर होएगी ना इसमें तो आ जाएगी, जहाँ तक आ तो जानी चाहिए। ओ देखो डोर कितनी तेज फिसल रही है इसकी, और निकल गई भाई इसकी डोर, जिस चीज़ का डर था वही हुआ, इसकी डोर एकदम से निकल गई। और मैं दोबारा मार के देखता हूँ उधर की साइड इससे, देखो दोस्तों दोबारा सही गया लंगड़, और इस साइड से करके देखते हैं इसे इस बार आता है या नहीं आता। देखो भाई कन्ने में अगर फंस गया, कन्ने में अगर फंस गया तो प्यार से आ जाएगा, और कन्ने नहीं फंसे ना तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और इस साइड से दिखाओ आप, देखो इस साइड से दिखाता हूँ मैं आपको, और देखो इधर से मैं ट्राई करूँगा क्योंकि कन्ने इसके इस साइड है। और ये अटक गई भाई, अटक गई ये कन्ने में, फंस गई
और भाई देखो यहाँ तक तो आ गई है, धीरे धीरे खींचने की कोशिश करूँगा मैं इसे। ये देखो, दिखाओ जूम करके दिखाओ, देखो भाई कन्ने फंस चुके हैं इसके। और देखो मैंने कील डाली है ना भाई, देखो कील से यही फ़ायदा होता है वो। ये देखो और आ गई भाई, ये भी आ गई, देखो ये कैसे फंसी थी, आओ मैं दिखाता हूँ आपको, इधर आओ। ये देखो ये ऐसे करके, देखो भाई मैंने यहाँ से यूँ करा ये, और ये यूँ करके यूँ फंस गई, और ये इसलिए ये आसानी से उठ गई। ये देखो ऐसे करके ऐसे, इसलिए आसानी से उठ गई। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कील कैसे वो काम करती है। कील मेरे को भाई इसीलिए ठीक लगती है, मेरी पहले ही पतंग गिरी और मैंने भाई कील से उठाई थी, कील से बहुत ज़्यादा आसानी से उठ गई थी, इसलिए मैंने यही कील लाया था। पत्थर वत्थर से मैंने ट्राई नहीं करा। और देखो ऐसे करके ऐसे ये गई, और देखो इधर दिखो, देखो भाई वहाँ पे एक और पतंग फंसी पड़ी। आ जाओ आपको मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी डोर ये जा रही, और देखो इसमें मैं भाई लंगड़ नहीं फेंकूँगा, देख रहे हो वहाँ पे फंस रही है, और देख लो भाई ये इसकी डोर जा रही है। और मैं इसे भाई देखो भाई इसे मैं लंगर डाल के नहीं निकालूंगा, क्योंकि भाई ये थोड़ी दूर है, लंगर डालने में रिस्क है, और लंगर अटक वटक भी जाएगा बेफालतू की किसी के लग उगा जाए, तो मैं इसलिए सेफ खेलूंगा इस बार। इस बार उड़ाऊंगा मैं ये वाली पतंग, ये देखो ये उड़ाने वाला हूँ मैं पतंग, और भाई इस पतंग से उतारूंगा मैं उसे। वैसे तो हवा आज इस साइड की है, और भाई देखते हैं कैसे उतार पाते हैं नहीं उतार पाते उस वाली पतंग को। और उसकी डोर है, डोर में शायद हो सकता है लग जाए, वरना मैं अपनी पतंग पेड़ में देकर मारूंगा, उसके पास ही हो सकता फिर आ जाए। और दोस्तों चलो इसे बढ़ाते हैं और फिर आपको उतार के दिखाते हूँ कि कैसे भाई पतंग से भी हम पतंग उतार सकते हैं। तो दोस्तों देखो भाई अब मैं इस वाली पतंग से अपनी ट्राई करने वाला हूँ, ये दिखाओ पतंग, ठीक है ये हमारी मेरी पतंग उड़ रही है, और मैं इस वाली पतंग से ही ट्राई करूँगा कैसे उतरती है या नहीं उतरती वो। नीचे दिखाओ, देखो दोस्तों अब मैं इस वाली पतंग के पास जा रहा हूँ, और ये और ये और ये अबे बच गई, नहीं निकली, नहीं निकली दोस्तों, नहीं निकल पाई अभी तो ये। और मैं मगर कोशिश करूँगा पूरी कि निकल जाए। दोस्तों देखो अब मैं दोबारा डालने जा रहा हूँ इससे, ओए मेरी ये वाली भी जा सकती है भाई, मगर बहुत पास में इसलिए मैं, ओए ये लो भाई ये भी थोड़ी सी अटक गई है पेड़ में, और देखते हैं इसे निकलती है या नहीं निकलती। और निकल गई, और मैं इस वाली डोर को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। ए और ये देखो दोस्तों ये वाली डोर मैंने उठा ली है, और धीरे धीरे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये दिखाओ ये वाली डोर, और भाई मैंने ये पकड़ ली डोर, ठीक है दोस्तों। और मैं अभी इसे निकालने की कोशिश करता हूँ पेड़ में से, और ये निकल चुकी है। और भाई देख लो कुछ कुछ हम ऐसे निकाल सकते हैं भाई पेड़ में से भी पतंग, ये देखो मंजोली पतंग है, ठीक है दोस्तों। और हम ऐसी भाई पतंग निकाल सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा भाई, थोड़ा डिफरेंट वीडियो बनाने का ट्राई करा है, आपको वीडियो कैसा लगा आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी बढ़िया से वीडियो में, टिल देन बाय बाय। जब भी नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और मैं आपको मिलता हूँ ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। ऐसी भाई पतंग निकाल सकते हैं हम लंगड़ मार के, या फिर पतंग से, ठीक है दोस्तों। और क्या बोलते हैं दोस्तों, भाई लंगड़ थोड़े देख के मानना, किसी का सर्वर मत फोड़ देना, गली वली में मत मानना लंगड़, ठीक है। अगर ऐसे जैसे मेरी तो भाई ये बाजू वाली छत, आ जाओ मैं दिखा देता हूँ आपको कैसी छत है। देखो भाई ये बिल्कुल यही छत है, और ना इस छत पर कोई रहता है, ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने लंगड़ मार लिया, यहाँ पर कोई भी नहीं था। और भाई ट्राई करना कि छोटी चीज़ से लंगड़ मारो, और बड़ी चीज़ से लंगड़ मत ना मारना, और भाई किसी का सर्वर फूट जाएगा बेफालतू की, इसलिए ऐसी जगह में लंगड़ मारना जहाँ भाई कोई भी ना हो। और भाई ठीक है ऐसे उतार सकते हैं हम दूसरों की पतंग, और मैं आपको मिलता हूँ ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।